सही भाई बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जो बिहारी देश से किसी राज्य में फंसे हुए हैं और वो बिहार वापस आना चाहते हैं तो उनको 7 दिनों के अंदर उस राज्य से समन्वय स्थापित करके बिहार वापस बुलाया जाए। अगर कोई आसपास के राज्य में है उन्हें बस से भी लाने की व्यवस्था कराई जाए। बिहार के बाहर से जो बिहारी यहाँ आ रहे हैं उनका तो स्क्रीनिंग किया ही जा रहा है, जांच किया ही जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक निर्देश दिया है कि प्रतिदिन 10,000 संक्रमण जांच की व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है। उन्होंने आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है, साथ साथ अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है अधिकारियों को कि जो अस्पताल व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। निजी व्यवस्थाएं जो अस्पताल हैं उनको भी सुचारू ढंग से ओपीडी और अन्य सेवाएं चालू करा दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो बिहारी बिहार से बाहर हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, उनके रोजगार सृजन के लिए, उनको यहाँ रोजगार देने के लिए काफी बड़े स्तर पर बिहार सरकार तैयारी कर रही है। इन सारी बातों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटरों पर व्यवस्थाएं बढ़ाने का निर्देश दिया है। जो आइसोलेशन वार्ड है वहां बेडों की क्षमता बढ़ाने का भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है और वहां जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है उसको भी बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मौसम परिवर्तन हुआ है और उससे जो फसल नष्ट हो गया है उसके लिए कृषि इनपुट अनुदान को किसान भाइयों तक पहुंचाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जो राशन कार्ड नए राशन कार्ड बन रहे हैं उसमें तेजी लाया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को समय रहते उन तक मदद पहुंचा दिया जाए। और एक विशेष बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ड सदस्यों के माध्यम से आप तक 4 मास्क और 1 साबुन पहुंचाने का निर्णय लिया है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि संबंधित बिंदुओं पर स्वयं भी जागरूक हों और लोगों तक भी ये विचार पहुंचाने का काम करें। आप सभी ने बहुत संयमता के साथ आज ये वैश्विक महामारी को अपने धैर्य और अपने साहस और अपने एकजुटता के साथ लड़ने का काम किया है। हम पुनः आग्रह करेंगे कि आप सब इसी प्रकार से धैर्य बनाए रखें और यकीनन हम लोग इस महामारी से जंग जीतेंगे। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आप सभी ने बहुत धैर्य से काम लिया है, इसी प्रकार धैर्य बनाए रखें। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।